हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फूड पेपी। गाइस कैसे हैं आप सब? आज की जो रेसिपी है काफ़ी अच्छी होने वाली है। लॉकडाउन चल रहा है और कोरोना वायरस भी चल रहा है, तो इसमें कुछ हेल्दी और कुछ हटके और यूनिक सिंपल तरीके से कुछ सिंपल सी चीज़ को किस तरीके से बढ़िया और टेस्टी बना सकते हैं, तो चलिए आज की इस वीडियो में बनाते हैं कुछ बढ़िया सा टेस्टी सा पराठा। तो हेल्दी पराठा बनाना है, उसके लिए हेल्दी वेजिटेबल चाहिए। यहाँ पर सबसे पहले घिया और ये कद्दू, मतलब बिल्कुल हेल्दी, और थोड़ा सा अनियन और धनिया और अदरक। इतना हेल्दी पराठा बनाएंगे एकदम हेल्दी वेजिटेबल्स के साथ। यहाँ पर आटा ले लिया है, उसमें 2 से 3 मुट्ठी डाल देंगे बेसन। 2 से 3 मुट्ठी डाल देंगे बेसन, इससे क्या एकदम अच्छा पराठा बनेगा। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे नमक और थोड़े से मसाले। नमक डालने के बाद इसमें डाल देंगे फिर अब हम लाल मिर्च का पाउडर, अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसा वो खाते हैं उस अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। इसके बाद अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, धनिया का पाउडर, थोड़ा फ्लेवर्स आ जाएगा। और जो सब्जियों का खेल होगा ना, आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके से ऐसा पराठा भी बन सकता है। और इसमें सबसे पहले प्याज, धनिया, अदरक, घिया कोला, अपनी सारी वेजिटेबल्स को इसमें अच्छे से डाल देंगे। एकदम हेल्दी और काफ़ी टेस्टी पराठा बनता है ये गाइस। आलू के पराठों से तो काफ़ी अच्छा बनता है। अच्छे से सारी वेजिटेबल ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें कैरेट भी ऐड कर सकते हैं, और हेल्दी बनाने के लिए थोड़ा पालक भी ऐड कर दीजिए। पर बच्चों को बिल्कुल पता नहीं चलने वाला है ऐसा पराठा। इसे साथ में हंकट के साथ अगर आप सर्व करेंगे ना, तो काफ़ी टेस्टी लगेगा। अब इसे अच्छे से गूंथ लेते हैं। ये वैसे मेरी मम्मी बना रही है, मैं तो सिर्फ वीडियो शूट कर रहा हूँ, पर सिंपल है। आप तो देखिए, रेसिपी देखिए, आपको क्या मतलब कोई बनाए। ये आटा कुछ इस तरीके से गूंद के रख लिया। आप 10 से 15 मिनट इसे रेस्ट करने के लिए रख देंगे। हमारा आटा रेस्ट हो चुका है, अब इसके पेड़े बना देंगे और इसके पराठे बनेंगे। थोड़े मोटे बनाइएगा इसके पराठे, या उससे ही ज़्यादा टेस्ट लगेगा। और थोड़ा ये स्टिकी हो सकता है, पर कोई बात नहीं, आप आटा लगाइए, फिर इसे अच्छे से बेलिए। थोड़ा सा इस पर तेल लगा लीजिए, अच्छे से इसे गोल कर लीजिए। देन अच्छे से, ये ट्रिक तो आपको पता ही होगी, इसमें मैं क्या बताऊँ। ये थोड़ा सा लगा के, और आटा ज़्यादा लगाइए क्योंकि ये थोड़ा स्टिकी होता है, ठीक है। ये अपना पेड़ा लेके अब दोबारा इसे बेलना शुरू कर देंगे। अच्छे से बनाएंगे एकदम बढ़िया सा पराठा। आप चाहें तो इसमें कुछ और भी वेरिएंट कर सकते हैं, मतलब इसे सीधे सीधे मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी सी सूजी मिला सकते हैं, मतलब हेल्दी करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। इसे बेलेंगे अच्छे से, देन उसके बाद इसे डालेंगे गर्मा गर्म तवे पर, अच्छे से सेट करके। अब ये तवे पर डाल दिया अपना पराठा, अब इसे अच्छे से सेकेंगे दोनों तरफ से, ऑयल, घी, जो भी आप लगाना चाहें। और देखिए हमारा पराठा सिक के रेडी है। इसी बात पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।